मेरे को सबको राम नमस्ते सब लोगो। हाँ हमारे हमारे घर में रहते ही 11 लोग, मेरा 30 साल से वो नहीं बना राशन कार्ड, बिल्कुल भी नहीं बना। और वो राशन दफ्तर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये तो तुम्हारा पेंटिंग में पड़ा हुआ है, हम क्या करें, हमने एप्लीकेशन भी लिखा था, कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। शिल्पी भी लेके आए थे हम राशन कार्ड की, पर किसी ने बना के नहीं दिया। कई दिन कई महीना हो गए उसके बाद डाली थी। जब ये राशन कार्ड, जब नए राशन कार्ड करने की प्रक्रिया होती है, इन्होंने तभी से अप्लाई किया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या कैपिंग कर दी है, कोटा खत्म है, इस तरह की बातें की जाती हैं। अच्छा, तसल्ली के लिए क्या किया गया, जैसे पीछे बताया इन्होंने कि तसल्ली के लिए कागज जमा कर लिए गए, जमा करने के बाद में उसके बाद बोल दिया गया कि अभी आया नहीं है, अभी अप्लाई वो वहाँ से कन्फर्मेशन नहीं आया है। कंप्यूटर में दिखाता है कि नाम है, लेकिन इनको राशन नहीं मिलता, राशन कार्ड दुकान वाला कहता है कि हमारा राशन नहीं आया आ रहा है। तो ये जो बीच की उहा पोह है कि एक बंदा तसल्ली लेके बैठा हुआ है कि हाँ हमारा राशन का उधर तो नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर राशन वाला मना चाहता है, तो ये प्रॉब्लम इनका नहीं है। नमस्ते, मैं सबको मेरा नमस्ते, मैं वीपी सिंह कैन से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम प्रीति है। सरकार सब चीज सोचती है, लेकिन एक मजदूर के लिए एक ऐसी चीज भी तो सोचे जो कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे और सेफ रहे, जिससे हम मोबाइल क्रश के जैसे हमारे इंजरी चली है उसके दौरान हमें जागरूक हो रही है कि हमारे बच्चे को आंगनबाड़ी तो है लेकिन एक क्रश भी हो जिससे हमारा बच्चा सुबह से शाम तक वहाँ पे सेफ रहे तो हम काम कर सके। अब जैसे कि मेरी ये बेटी है, अब मैं काम तो करने जाती हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता रहता पीछे क्या है क्या नहीं, उसको देख रहा है कोई कि नहीं देख रहा, ये चिंता लगी रहती है। काम पे जाओ कभी लेट हो जाओ तो वो भी कहते हैं आज तुम लेट आई हो कि आज तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। तो हम ये सोचते हैं कि सरकार एक ये भी चीज रखे जिससे कि हमारा बच्चा सेफ रहे। अगर हम 8 घंटे काम कर रहे हैं तो कम से कम हमारा बच्चा 6 घंटे तो सेफ जगह पे रहे सुबह से शाम। अगर हम 9 बजे जा रहे हैं तो हमारा बच्चा शाम तक 4 बजे एक ऐसी जगह पे रहे जहाँ से हमारा बच्चा खाने से पीने से अच्छी चीजों से वो अच्छी चीजें भी सीखे और हम भी वही जगह के काम कर सके। जैसे कि मजदूर लोग भी बहुत होते हैं जो काम नहीं कर पाते, इसी चिंता से नहीं कर पाते क्योंकि उनका बच्चा उनको देखने के लिए कोई नहीं होता। तो मेरी सरकार से यही है कि एक ऐसी चीज खोले जिससे हमारा बच्चा सुबह से शाम तक सेफ रहे और हम भी वही जगह के काम कर सके। बहुत जरूरी एक चीज है कि जितने महिलाएं और जिसने